नमस्कार दोस्तों, निर्मला जी रेसिपी किचन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की रेसिपी में बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए आधा किलो गाजर ले लिए हैं। गाजर के ऊपर का नीचे का भाग कट कर लेंगे। अब इसे इस तरह से चाकू की सहायता से छील लेंगे। छीलने के बाद इसे पानी से अच्छी तरह से धुल लेंगे। धुलने के बाद कद्दूकस कर लेते हैं। गाजर कद्दूकस कर लिए हैं, चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई गर्म हो गई है। कढ़ाई में बड़े एक चम्मच घी डाल देंगे। घी गर्म हो गया है, कद्दूकस किया हुआ गाजर इसमें डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके इसे ढक देते हैं। जब तक गाजर भुनेगा, इधर दूसरी कढ़ाई में आधा लीटर दूध रख ले रहे हैं गाढ़ा होने के लिए। गाजर थोड़ा भुन गया है, इसमें एक कटोरी दूध डाल देते हैं। अब इसे पकाएंगे इसी तरह से चला चला के। इधर दूध उबल रहा है, इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। गाजर पक गया है, इसमें एक कटोरी चीनी डाल देते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी गल गई है, इसमें दो छोटी इलायची पाउडर डाल देते हैं। इधर दूध गाढ़ा हो गया है, गैस बंद कर देते हैं। गाढ़ा किया हुआ दूध इसमें डाल देते हैं। अब इसे इसी तरह से मिला लेंगे। गाजर का हलवा पक गया है, अब इसे सर्व कर लेते हैं। हलवा सर्व कर लिए हैं, इसमें कुछ काजू बादाम किशमिश डाल देते हैं। एक बार इस तरीके से बना के देखिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।